आज मैं निकलने लगा हूँ पुणे के लिए, जहाँ पे मेरा कजन रहता है। कल मेरा प्लान ये था कि मैं मुंबई पहुँच जाऊँ, जो मेरे पिछले स्टॉप से लगभग 600 किलोमीटर दूर था। लेकिन शायद से तो मैंने कोई और रूट पकड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मैं स्पीड सही से पकड़ नहीं पाया। और गोवा का जो रूट है, पुणे से गोवा का रूट, वो मैं आराम से कवर करना चाहता हूँ। तो वो 8.5 घंटे का मेरे कज़न के घर से रह जाएगा, वो मैं कल जाऊँगा। और आज जा रहा हूँ अपने कज़न के यहाँ। बस अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई साहब, अब एक सरप्राइज़ मिल गया नीचे आते ही। अभी तो 6:30 हो रहे हैं और मेरे को लग रहा था कि अभी तक थोड़ा बहुत दिन निकलने लग गया होगा, लेकिन अभी तो कम्प्लीटली यहाँ पे अंधेरा है, तो एकदम डेंस फॉग है। तो भैया, इस फॉग में तो डेफिनेटली मैं नहीं निकलने वाला। कम से कम जब दिन निकल जाएगा उसके बाद ही, थोड़ा फॉग में विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसके बाद ही निकलूँगा। तो जी, ये है मेरी बाइक, और ये देखो, ये जो कैरियर का कमाल है, जिसमें अपना फर्स्ट क्लास से दोनों बैग बन जाते हैं, और ये सैडल बैग। अब बहुत विजिबिलिटी बढ़ गई है, इतनी हो गई है कि मैं बाइक ड्राइव कर लूँगा आराम से। टाइम भी 8:30 हो गया, मतलब नेट नेट अपने स्केड्यूल से 2 घंटे लेट निकल रहा हूँ। ये देखो, विजिबिलिटी इतनी है कि आराम से मैनेज हो जाएगा 60-70 की स्पीड पे। लेकिन दुड़के नहीं लगा सकते भाई, बिल्कुल अंधाधुंध दुड़के नहीं लगा सकते। अब जी, ये है धुंध का कमाल। बार बार हेलमेट के वाइजर पे ऐसे ओस जमताती है, जिसको अपने हाथ से साफ करना पड़ता है। जी फाइनली हो गया मौसम बिल्कुल साफ, धूप खिलखिलाने लग गई ऊपर सर पे, और विजिबिलिटी पूरी आ गई है। अभी तो सीन ही हो गया कि मेरे को एक छोटा सा ब्रेक तो लेना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, तो वो सुस्ती मिटाऊंगा मैं ज़रा बढ़िया सी। तो भाई साहब, यहाँ पे हो गई एक और गड़बड़। हुआ यूं कि मुझे पता था कि मुंबई से पुणे का जो एक्सप्रेसवे है, उस पर बाइक्स जाना अलाउड नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने सुबह निकलते ही जो रास्ता डाला गूगल मैप में, वो डाला बाइक वाला। और गूगल मैप ने क्या किया कि मुझे मुंबई शहर को बाईपास करने की जगह मुंबई के अंदर ही घुसा दिया। और मुंबई शहर में घुस के तो आप हालात देख सकते हो, ये जाम के हालात हैं, मेरे 2-2.5 घंटे वेस्ट हुए। तो उस दिन ये समझ में आ गया कि आगे से गूगल मैप को बताना ही नहीं है कि भैया मैं बाइक से जा रहा हूँ, हमेशा कार वाला रास्ता डालेंगे। लो जी, फाइनली अब जाम ओवर हुआ। चलो अब इंजॉय करते हैं ज़रा ड्राइव को। ये है मुंबई पुणे का ओल्ड हाईवे, ये जा रहा है पहाड़ों के बीच में से, और यहीं से लोनावला और खंडाला सब कुछ है। एक्सप्रेसवे जो है वो डेफिनेटली फास्ट होता, लेकिन वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, बहुत मोटे चलान है वहाँ पे। और ये रास्ता पुराना है, ये तो बहुत उमदा ड्राइव है। देखो ये जो सांप बने पड़े हैं सड़कों के, यार गजब ही गजब चल रहा है। यही खासियत है इस रास्ते की, इतनी खूबसूरती कि जिसकी कोई हद नहीं, इतने सारे कर्व्स हैं रोड में कि ड्राइव करके फील आ जाती है। तो ये मुंबई टू पुणे की ड्राइव को एंजॉय करता हुआ फाइनली पहुंच गया मैं पुणे। लोकेशन पे आ गया, लोकेशन पे। सोसाइटी का नाम क्या है? अक्षय काउंटी। चल आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बस ही मौज आ गई, पहली बार पुणे गया था अपने कजन के यहाँ पे, तो ताई जी ने बढ़िया ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत कर डाला। दिल्ली से आया मेरा दोस्त को सलाम, क्या करने? करो। अरे वाह, चले तो गजब का मचा रखा तुमने, तो बिल्कुल बार बना रखा तुमने। मैं तो यही रुक जाता हूँ, गोवा जाने की जरूरत क्या है। बाथटब ले आते हैं बाहर से, रबड़ वाला। बस ये थोड़ी देर में एक स्पेशल जगह जाने के लिए मैं अपने भाई के साथ निकल गया। ये है यहाँ की टेनिस एकेडमी, लॉन टेनिस एकेडमी, और यहाँ पे आता है मेरा भतीजा प्रैक्टिस के लिए अर्णव। क्लास मजा आ जाता है ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख के ना, जो मेरा भतीजा है अर्णव, वो खेलता है यहाँ पे टेनिस, एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। उस दिन का तो हो गया रिफ्रेशमेंट पूरा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और टकटक थकान उतर गई। और अब गोवा सिर्फ एक दिन दूर था।
अच्छा भैया जी, जय बजरंग बली। चलो जी, बहुत मज़ा आ गया यार कल तो। पिछले चार दिन से ड्राइविंग 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 करते करते कल की सारी थकान मेरी यहाँ पे गप शप करके सारी थकान निकल गई। वाह वाह, क्या बात है। एक तरफ चांद और दूसरी तरफ सूरज दिखाई दे रहा है। अभी जब तक मैं पुणे नहीं आया था तो मुझे लगता था कि पुणे एक नॉर्मल सा एक जैसा शहर है, प्लेन शहर वैसा ही शहर होगा। लेकिन अब आके पता लगा कि एक्चुअल में तो ये एक पहाड़ी एरिया है। आई मीन पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। जी टनल अहेड। वाह, क्या ठंडक सी लग रही है टनल में आके। बहुत ही बढ़िया टनल है ये तो, और काफ़ी लंबी भी लग रही है। अगर ये 1-1.5 किलोमीटर की लंबी तो आई एम श्योर कि कम से कम 8-10 किलोमीटर इसने कम कर दिया होगा। फाइनली टनल ओवर। 68.4 किलोमीटर 69.6 मिनट 1.2 किलोमीटर की टनल है। अभी हो रही है गर्मी यहाँ पे गोवा वाले हाईवे पे। इस गर्मी को मिटाने का सबसे अच्छा इलाज है ये गन्ने का जूस। एकदम फ्रेश सामने निकलवा के मस्ती से पियेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ये गोवा की तरफ जा रहे हैं हम। ऐसे लग रहा है जैसे मसूरी से देहरादून जा रहा हूँ। ये बात, फाइनली भाई साहब पहुंच गए हैं गोवा में। गेस्ट हाउस मिल जाएगा? हाँ, यहाँ पे है अंदर। चीयर्स है भाई लोग, और मैं पहुंच गया हूं गोवा अंजुना बीच पे। कलर्स गेस्ट हाउस करके एक गेस्ट हाउस है, वहां पे मैंने चेक इन कर लिया। तो जी हो गई गोवा तक की जर्नी पूरी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल से चलेंगे जरा गोवा दर्शन पे। तो जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।